हेलो एंड वेलकम बैक टू स्कूल जी बेटा। हम मैं हूं तोशीन, आपकी मैथ टीचर, और आज हम करने वाले हैं थर्ड चैप्टर के कुछ क्वेश्चन। तो देखिए, थर्ड पॉइंट थर्ड चैप्टर में वी विल बी टेकिंग फर्स्ट थर्ड 3.2 एक्सरसाइज, और इसमें हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। थर्ड चैप्टर क्या था? थर्ड चैप्टर वॉज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी किया है हमने पीछे कुछ वीडियोज में, आपने देखा भी होगा कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, कि कैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हो यूजिंग दी पॉइंट्स, है ना। और मैं कहूँ मोर स्पेसिफिकली द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द वर्टिकल लाइन की हेल्प से आप हर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हो, और उस पोजीशन को जब हम पर्टिकुलरली स्पेसिफाई कर रहे हैं तो उसे हमने क्या नाम दिया था? कोऑर्डिनेट्स, है ना, कि वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना दूर है और वर्टिकल एक्सिस से कितना दूर है, दैट वी हैव स्पेसिफाइड, है ना। और x एक्सिस और y एक्सिस ये हमने नेमिंग किया था, प्लस हमने क्या कहा था कि जो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट है उसे हम एब्सिसा कहेंगे, y कोऑर्डिनेट वाले को ऑर्डिनेट कहेंगे, एंड टुगेदर दे आर नोन एज कोऑर्डिनेट्स। दिस वाज वेरी इजी, राइट। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन जो कि उससे भी ज्यादा इजी है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। दैट मीन्स अगेन आपको क्या है, कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उन पार्ट्स का आपने आंसर देना है। तो पहला पार्ट है, देखो क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। जस्ट नाउ अभी अभी 2-4 सेकंड पहले ही मैंने आपको बताया था कि कोई भी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज की थी, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस यूज की थी, और वहां पर इस क्वेश्चन में इसी का नाम पूछ लिया गया। तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट है उसे हमने क्या कहा था, या मैं कहूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं एक्स एक्सिस। इसी तरीके से जो वर्टिकल लाइन होती है या वर्टिकल लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है, क्या कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। तो नाम आपको पता चल गया कि कार्टेशियन प्लेन में क्या है, हॉरिजॉन्टल का नाम एक्स एक्सिस और वर्टिकल का y axis. तो यही था आंसर, बस इतना सही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। यानी एक प्लेन को जब मैंने इन दोनों लाइंस से ड्रॉ करके कुछ पार्टीशन कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, कैसे, ये देखो मैंने यहाँ थोड़ा सा एक डायग्राम बना देती हूँ। ये मैंने क्या ड्रॉ कर दी है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी है, ठीक है। पूरे के पूरे प्लेन को हमने कुछ ऐसा डिवाइड किया था, और यहाँ आप देख सकते हो क्लियरली कि कितने पार्ट्स बन गए हैं, 4 पार्ट्स बन गए हैं। इन चारों पार्ट्स का कुछ नाम दिया था हमने, वही यहाँ पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। तो लिखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है क्वाड्रेंट्स, ठीक है। इसे हमने क्या नाम दिया था, क्वाड्रेंट नाम दिया था टू ईच पार्ट, बस नेमिंग अलग अलग कर दी थी। दिस वाज वन क्वाड्रेंट, दिस वाज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वाज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वाज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, इट सेज राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। मतलब उस पॉइंट का नाम बताइए जहां पर ये दोनों लाइंस क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। देखो इस डायग्राम में जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं कट नहीं कर रही, बट एट दिस पॉइंट, वो एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा, इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस दोनों की ही वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो लाइंस हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जहां मीट करती हैं, या मैं कहूँ जहां इंटरसेक्ट करती है, वो एक ही पॉइंट है। इसके अलावा ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करती, और उसे हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा 0,0, ठीक है, यानी एब्सिसा भी 0 और ऑर्डिनेट भी 0 होता है आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर टू में आता है। अब सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास आता है बेटा क्या, See figure 3.14 and write the following. देखो आपको यहाँ पे एक बड़ी सारी फिगर देख रही है ना, तो यही आपने देखनी है और इसी को देख करके आंसर करने हैं। ऐसा ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको शायद पिछली वाली कोई वीडियो में करवाया भी था, तो अब वेरी इजी। देखो इसके अंदर जैसे जैसे बोला गया है वो करते जाएंगे। हमने इसने बोला कि सी फिगर, तो हमने सी कर दिया, देख लिया हमने फिगर, एंड नाउ राइट द फॉलोइंग।
मतलब अब हमें आंसर करना है कुछ क्वेश्चंस का. देखो पहला क्वेश्चन है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. अब सबसे पहले बी ढूंढो कहाँ है, वेयर इज बी पॉइंट. ये देखो एक्स एक्सिस के जस्ट अबव क्या है आपको दिख रहा है, बी पॉइंट. एक्स एक्सिस के ऊपर मुझे दो ही पॉइंट दिख रहे हैं, एक तो बी और एक डी. तो जो लेफ्ट हैंड साइड में यानी क्वाड्रेंट सेकंड में बी पॉइंट आपको दिख रहा है, बी पॉइंट के आपने क्या है कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. फटाफट से देखो और बताओ क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स मतलब पहले आप एक्स एक्सिस चेक करो, एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू है और वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू है. फटाफट से देखिए एक्स एक्सिस क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है तो एक्स एक्सिस आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. नेगेटिव साइड पर देखिए ये क्या है, माइनस फाइव, यानी माइनस फाइव से थोड़ा ऊपर गए और कितना ऊपर गए, सेकंड टू टू हाइट पर गए. तो इसका मतलब बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो गए बेटा वो क्या हुए, माइनस फाइव कॉमा टू. यस, यानी एप्सिसा यानी एक्स एक्सिस की वैल्यू हो गई माइनस फाइव और ऑर्डिनेट की वैल्यू हो गई टू. ठीक है, इसी तरीके से आपका सेकेंड पार्ट है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी. कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी देखो क्या है, पहले ढूंढो इस फिगर के अंदर आपके पास सी पॉइंट है कहाँ. तो देखो इस पॉइंट इस फिगर में सी पॉइंट जो है वो आपका है लास्ट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के बिल्कुल नीचे. एक्स एक्सिस के बिल्कुल नीचे मतलब कि नीचे थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि फोर्थ में देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में लुक करो देखेंगे तो वहां पर टू पॉइंट्स है, जी एंड सी, और मुझे कोऑर्डिनेट्स किसके बताने हैं, सी पॉइंट के. तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चेक करो फटाफट से कि एप्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी. एप्सिसा मेरे पास आ रहा है बेटा फाइव और मेरे पास ऑर्डिनेट की वैल्यू है माइनस फाइव. दैट मीन्स मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे सी पॉइंट के वो होंगे फाइव कॉमा माइनस फाइव. और आप जानते हो कि कोऑर्डिनेट्स लिखते टाइम हम सबसे पहले एक्स वैल्यू की यानी एप्सिसा की वैल्यू ही लिखते हैं और बाद में किसकी लिखते हैं, वाई की, है ना. ये ऑर्डर हमने स्पेसिफाई किया हुआ है और शायद मैंने आपको बताया भी था इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो इस पेयर को क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, कि इसमें कुछ ऑर्डर स्पेसिफाई किया हुआ है कि पहले एक्स का ही लिखा जाएगा और बाद में वाई का लिखा जाएगा. ठीक है, समझ में आया. चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स माइनस थ्री माइनस फाइव. यानी मुझे उस पॉइंट का नाम बताना है जो कि क्या है, किससे स्पेसिफाई किया गया है, माइनस थ्री माइनस फाइव से. तो देख लेते हैं, माइनस थ्री का मतलब है मुझे एक्स एक्सिस पर माइनस थ्री चाहिए. तो एक्स एक्सिस पर माइनस थ्री तो दिख गया मुझे, लेकिन उसके ऊपर एम लिखा हुआ है, तो क्या यही पॉइंट होगा, नहीं. क्यों, क्योंकि एक्सिस पे एम लिखा है बेटा, एक्सिस पे एम लिखा है मतलब वाई की वैल्यू जीरो है, लेकिन वाई तो यहाँ पर माइनस फाइव है. तो नीचे आ जाओ क्योंकि वाई आपको नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में ही देता है. तो वापिस से नीचे आ गए माइनस थ्री माइनस फाइव. ये देखो माइनस फाइव जहां पर वाई है उस पॉइंट की सीधी लाइन में मुझे ई पॉइंट नजर आ रहा है, या मैं कहूँ ई पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तो आप क्या कहेंगे, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई. ध्यान से देखो ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस थ्री माइनस फाइव. दैट मीन्स जो मेरा क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका आंसर हो गया पॉइंट ई. ठीक है, E वो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस थ्री माइनस फाइव. राइट, देखो फोर्थ आपके पास पॉइंट आया है, क्वेश्चन है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट टू कॉमा माइनस फोर. टू कॉमा माइनस फोर दैट मीन्स नाउ इन दिस फिगर मुझे क्या है ढूंढना है कि टू कॉमा माइनस फोर कहाँ है और उस पॉइंट को क्या नाम दिया हुआ है. राइट, तो देखते हैं. सबसे पहले हम सर्च करते हैं x इक्वल्स टू टू. तो x इक्वल्स टू टू देखो कहाँ है, राइट हैंड साइड में है ना, जीरो के बाद वन एंड देन टू, और टू पे कोई भी पॉइंट नहीं है. लेकिन जैसे ही मैं माइनस फोर के साथ जाती हूँ, माइनस फोर कहाँ होगा, ऑन द डाउनवर्ड साइड है ना, वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव देता है नीचे नेगेटिव होता है. तो नीचे जैसे ही हम गए माइनस फोर पे तो वहां पर क्या आ रहा है पॉइंट, जी पॉइंट. राइट, तो दैट मीन्स द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट टू कॉमा माइनस फोर इज द पॉइंट. क्या नाम है उस पॉइंट का, उसका नाम है जी पॉइंट. राइट, क्या है जी. तो यानी कि जिस तरीके का थर्ड पार्ट था उसी तरीके का फोर्थ पार्ट था, और हमने सिर्फ क्या बताना था, नेम बताना था कि व्हाट वाज द नेम या पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय दीज पॉइंट्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट फाइव, द एप्सिसा ऑफ पॉइंट डी. द एप्सिसा ऑफ पॉइंट डी का क्या मतलब है कि सबसे पहले क्या करो, डी के क्या करो, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो. कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के बाद उसमें एक्स पार्ट जो है वो निकाल लो. देखो क्या है डी पॉइंट, कि डी पॉइंट कहाँ है सबसे पहले लोग, यस हमारे पास एक्स एक्सिस जो है उसके अबव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में डी पॉइंट आता है, जहां पर कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं बेटा, सिक्स कॉमा
टू, राइट, 6.2, और 6.2 में एफसीसा की वैल्यू क्या होगी, 6, ठीक है। तो यानी पार्ट 5 जो था वो क्या है आपके पास, 6, और यहाँ आपने कंप्लीट लिखना था, एफसीसा ऑफ पॉइंट डी इज 6, यहाँ पर सिर्फ आंसर्स लिख रही हूँ मैं, बट यू हैव टू राइट इट कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ऑर्डिनेट मतलब कि y वाली वैल्यू बतानी है मुझे, ठीक है। कोऑर्डिनेट में आपके पास x एक्सिस क्या होता है, एब्सिसा, और y क्या होता है, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स लुक कि h पॉइंट कहाँ है हमारे पास, h पॉइंट ये देखो x एक्सिस यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास h पॉइंट है, h पॉइंट जो थर्ड क्वाड्रेंट है वहां पर आप देखो -5 की लाइन में, -5 जहां है और -3, यानी h पॉइंट के अगर मुझसे कोऑर्डिनेट पूछे जाए तो दैट विल बी -5 -3, लेकिन ऑर्डिनेट पूछा है यहाँ पर तो देखो -5 -3, इस पॉइंट के अगर ऑर्डिनेट बताने हैं तो ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस पे क्या वैल्यू ले रहा है ये पॉइंट, y एक्सिस पे ये ले रहा है -3, दैट मींस ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h इज -3, ठीक है। ये आप कंप्लीट लिख सकते हो, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h आर दिस एंड सो द ऑर्डिनेट इज -3, ठीक है, समझ आया। नाउ सेवेंथ पार्ट जो है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट l, तो अब हमें क्या ढूंढना है, l पॉइंट ढूंढना है, l पॉइंट ढूंढते कहां पर है, देखो l पॉइंट इट इज ऑन द एक्सिस, y एक्सिस पर है बेटा, देखो ऊपर जहां पर आपको दिख रहा है y एक्सिस अपवर्ड्स है, ये पॉइंट जहां पर 5 लिखा है वहां पर राइट हैंड साइड में l लिखा है, राइट right? तो l के हमने क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ l, है ना, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ l आर क्या है यहाँ पर, आप जानते हैं कि एक्सिस पर क्या है, एक कोऑर्डिनेट तो जीरो होता है, अब डिपेंड करता है कौन से एक्सिस पर है, है ना, जिस भी एक्सिस पे है उसका ऑपोजिट वाला जीरो होता है, अब वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो वाई के ऑपोजिट एक्स, तो एक्स की वैल्यू जीरो, राइट, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा इसके, 0.5, समझ में आया कि यहां पर आप जानते हो एक्सिस पे एक की तो वैल्यू जीरो होती है, और वो कौन सी होती है, जो एक्सिस को, जो एक्सिस है उस एक्सिस पे तो कुछ ना कुछ वैल्यू ले ही रहा है, उसके ऑपोजिट जो रह गया वो वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है। यानी वाई एक्सिस पर तो सिर्फ और सिर्फ वाई की ही वैल्यू होगी, एक्स एक्सिस पर सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू होगी, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, नाउ वी हैव टू सी कि पॉइंट एम कहां है, देखो फटाफट से पॉइंट एम कहां है आपके पास, पॉइंट एम आपको कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पर दिखेगा, देखो मुझे तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है कहां पर है एम पॉइंट, देखो एक्स एक्सिस पर लेफ्ट हैंड साइड में दिखा, लेफ्ट हैंड साइड में दिखा, यस, द पॉइंट यानी कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, ये जो एक्स एक्सिस पर आपको पॉइंट दिख रहा है एम, वहां पर देखो क्या है, एम पॉइंट आपको क्योंकि एक्सिस पे लिखा हुआ है तो दैट मीन्स ये एक्सिस वाला ही पॉइंट उठाना है, यहाँ पर क्या है -3 वैल्यू, और एक्सिस पर है तो दैट मीन्स एक कोऑर्डिनेट आपका जीरो होगा, एक्स एक्सिस पर है तो सिर्फ एक्स की ही वैल्यू होगी, बाकी दूसरी वाली जीरो, यानी y की जीरो हो गई, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -3.0, क्या हो गया -3.0, अंडरस्टूड। सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 3.2, ये क्या थी आपकी एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हमने क्या किया डिस्कस कि हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स एंड हाउ टू फाइंड द एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट्स इवन इफ द फिगर इज गिवन एंड इफ इट इज नॉट गिवन तो सम इंफॉर्मेशन वर देयर, जो कि हमने क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, और द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड उसे हम क्या कहते हैं, एंड द पार्ट्स जिसको जो पार्ट्स है बन जाते हैं दो, जब आपके पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो उन दोनों लाइंस की वजह से पूरा प्लेन जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और उनका नेम क्या था, क्वाड्रेंट, ठीक है, समझ में आया। तो दिस वॉज 3.2, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम न्यू कॉन्सेप्ट, टिल देन जुड़े रहिए स्कूल जी के साथ, थैंक यू।